हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होगी जो मैंने डाली थी। चलो, तो 110 तक हमने पहले कर लिए थे क्वेश्चंस, तो उसके आगे बचते हैं 150 तक 40 क्वेश्चन, तो उन 40 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस टू लाइफ फेजेज ऑफ अ थ्री फेज सप्लाई कितनी होती है? 400। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, है ना? क्या बोलते आप? मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है, और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बार बार देखो इन वीडियोस को, बार बार देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा एंड तक। जब मैं जब पेपर नज़दीक आ जाएगा आपका, उस टाइम तक मैं सारे पेपर करवा लूँगा। और कितने कितने क्वेश्चन इससे रिपीट होंगे? अभी तक मैंने 11 वीडियो डाली है, 11 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 40 क्वेश्चन का अभी तक कोटा हो चुका है। तो अभी और वीडियोज़ डालूंगा, मैं डालता रहूँगा। 20 पूरे टोटल 20 क्वेश्चन पेपर है, तो मतलब पूरा पेपर आपको 120 में से इससे ही सेट होगा। आपने देख लेना, आप खुद देख लोगे, आप खुद पता लग जाएगा पेपर के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई इन इंडिया इज 50 हर्ट्स। द आरएमएस द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, द न्यूट्रल पॉइंट कैन बी पॉसिबल इन, न्यूट्रल पॉइंट किसमें होता है आपके? स्टार में होता है, स्टार में। द कैपेसिटी ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इन, किस में मेजर करते हैं सेल की कैपेसिटी को आप? एम्पियर आर, बैटरी जो होती है एम्पियर आर में होती है। ठीक है, NaH देखो फोनों में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर, कौन इसमें से कंडक्टर है आपका? ग्रेफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल कौन है? सिल्वर। एंड इन्वर्टर चेंजेस, इन्वर्टर किसमें किसको क्या चेंज करता है? एक इन्वर्टर आपका डीसी को एसी में चेंज करता है, और रिएक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज ओपन सर्किट देन द रेजिस्टेंस विल बी, जब ओपन सर्किट तो रेजिस्टेंस कितना होगा? मतलब जीरो करंट जाएगी तो मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो होता है, तो मतलब करंट कितनी जाएगी? मैक्सिमम करंट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन सा इसमें? फ्यूज है। ओके, द डेंजर 440 वोल्ट प्लेट शोज कॉशन, चेतावनी देता है। अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है आपका? जीरो। बहुत ईजी क्वेश्चन आए हुए इस पेपर में। तो द अर्थ वायर शुड नॉट बी थिनर देन, अर्थ वायर किससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी? 16 SWG। इन केस ऑफ ओवर हेड लाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन ओवर हेड, इन केस ऑफ ओवर हेड लाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की प्रेजेंस से क्या होता है आपके? कैपेसिटेंस बढ़ता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज, पावर लॉस का सबसे मोस्ट कॉज कौन सा है आपका? रेजिस्टेंस होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेज। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर रेजिडेंशियल एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, फ्यूज इज इंसर्टेड इन, फ्यूज़ किस में इंसर्ट किया जाता है आपका? फेज वायर में। देखो एक पीछे मैंने पेपर कराया था, उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन ये था, मेरे को अभी तक याद है। HRC फ्यूज़ प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, HRC फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट में, ये भी रिपीट हो गया है, मैक्सिमम रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, रिविजन भी हो रहा है हर हर वीडियो के साथ। हीटिंग एलिमेंट ऑफ आयरन्स आर मेड ऑफ, हीटिंग एलिमेंट किससे बनते हैं आपके? निक्रोम से। द मेन पर्पज़ ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटर का मेन पर्पज़ क्या होता है आपका? स्टोर द एनर्जी। ठीक है, बाई मेटल रिले इज यूज फॉर, बाई मेटल रिले किसके लिए यूज होती है? ओवरलोड प्रोटेक्शन। एडी करंट लॉस इज एक्सप्रेस्ड इन, एडी करंट लॉसेज किस में होते हैं? लॉसेज आपके वॉट। ठीक है, ट्रांसफार्मर कैपेसिटीज की बात, ट्रांसफार्मर किस में होते हैं आपके? KVA रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर चेंजेस, ट्रांसफार्मर क्या चेंज करते हैं? वोल्टेज और करंट को, इसमें फ्रीक्वेंसी पावर रहती है, एनर्जी कांस्टेंट। द ट्रांसफार्मर हैज़ एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है आपकी? 95% एंड अबव, 135 है ना ये? हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आपके 70% के पास होती है। द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन AC। ओके,
ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन. लेमिनेशन आर प्रोवाइडेड इन ट्रांसफार्मर कोर टू मिनिमाइज एडी करंट लॉसेस. लेमिनेशन एडी करंट लॉसेस से आपकी मिनिमाइज होती है. ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गए थे यार लास्ट में. द रिले यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज बक्कल रिले. द यूज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज डन एज. ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किस लिए होता है? वेरिएबल ट्रांसफार्मर के लिए. ठीक है, कहीं वोल्टेज कम ज़्यादा करनी हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स MMF का यूनिट क्या होगा आपका? वोल्ट. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉस इन इलेक्ट्रिक मशीन वॉट. बहुत इजी है, देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए इस पेपर में. 2.5 माइक्रो फैरेड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपका? कैपेसिटेंस. फैरेड किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का. ये हमें ध्यान रखना. ऑल द डिवाइसेस विच कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं आपके? लोड. वी इज इक्वल टू आई आर. कौन सा लॉ है ये आपका? होम्स लॉ. मजाकी पेपर था यार ये. 1500 वॉट हीटर इज ऑन फॉर 3 आवर्स. इट विल कंज्यूम 1500 इंटू 3, 4500, मतलब 4.5 यूनिट. द कैपेसिटी ऑफ पावर हाउस इज इन मेगावाट. द जनरेटिंग वोल्टेज एट अ पावर हाउस इज 11 kV होती है. ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउस इज जनरेटेड बाय. इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट करती है आपकी पावर हाउस में? एसी जनरेटर्स. द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड ऑन. इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन किसके ऊपर बेस्ड है आपकी? लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ फैराडे, फैराडेज लॉस. तो चलो ठीक है, इसके आगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन्हें कभी और करेंगे. हमारा मेन एम सब्जेक्टिव का है. तो ठीक है गाइस, आप देखते रहो, वीडियो को शेयर भी करो यार, चैनल को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बांटो इसको, इस ज्ञान को बांटो. जितना ज्ञान को बांटोगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है, शेयर करते रहो और खुद बार बार देखो वीडियोस. ठीक है, सारी वीडियोस बार बार देख लो. मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको यार, समझ आएगी. बताने वाला कोई नहीं होता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ आज. हमें बताने वाला कोई नहीं था एक समय पे, बट खुद जब एग्ज़ाम्स दिए जो हुआ, फिर उसके बाद पता लगा कि हमीरपुर बोर्ड का ड्रामा क्या है. ठीक है, पूरे अच्छे से करो और साथ में जीके पढ़ना शुरू कर दो. ऑल एग्ज़ाम करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वो भी डेली पेपर डालता है सुबह उठते ही. आप पहली तो उसकी वीडियो देख लिया करो. ठीक है, और बाकी आकाश दर्पण कर लो, पुराने पेपरों का जीके पढ़ लो. काफ़ी 80 क्वेश्चन आएंगे वैसे, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं. जीके भी मेन रोल प्ले करेगा आपका इन पेपरों में. तो चलो गाइस ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक आप देखो इन वीडियोज़ को और तैयारी शुरू करो. ठीक है, ओके, थैंक यू.